हेलो बच्चों, कैसे हो आप सारे। तो लास्ट वीडियो में जो हमने डिस्कस किया था वो हमने कि रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स चैप्टर जो हमारे क्लास सेवन्थ का है उसमें हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। हम एक्चुअली सबसे पहले हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे थे कि हाउ इन प्लांट्स वी कैन रिप्रोड्यूस ए न्यू प्लांट्स। तो उसके बारे में हमने वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किस तरीके से हम कर सकते हैं, कि डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स हैं उन प्लांट्स में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है। तो एक्चुअली जो हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसके बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं, बट मोस्टली जो कॉमनली हम जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एंड बडिंग, स्पोरिंग, ये इनके बारे में हम पढ़ते हैं। तो फर्दर हम थ्री जो रिमेनिंग है फ्रेगमेंटेशन, इनके बारे में पढ़ने वाले हैं। ओके, तो वन बाय वन इन सब के बारे में हम डिस्कस करते हैं एंड विद एग्जांपल। तो आज हम उन्हीं के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो पढ़ते हैं, चलो। ओके, लेट्स गो। बडिंग एक्चुअली ये सेकंड मेथड है हमारा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम पढ़ रहे थे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम ऑलरेडी जो डिस्कस कर चुके हैं वो है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ठीक है। अब सेकंड जो हम पढ़ने वाले हैं वो किसके बारे में, बडिंग। ये भी हम कह सकते हैं इट इज एन एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। अब एक्चुअली बडिंग में होता क्या है, स्मॉल पार्ट, एक छोटा सा पार्ट, स्मॉल पार्ट ऑफ द स्मॉल पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द पेरेंट्स प्लांट्स ग्रोज आउट एज ए बड, एज ए बल्ब लाइक प्रोजेक्शन। और जो बल्ब लाइक प्रोजेक्शन होता है इसी को क्या बोला जाता है, बड बोला जाता है, ठीक है। इसको हम क्या कहें, कर सकते हैं विच देन डिटैचेस एंड बिकम्स ए न्यू प्लांट, ठीक है। जैसे हम एग्जांपल ले ईस्ट का, ठीक है, ईस्ट हो गया। ईस्ट क्या है, ईस्ट इज ए सिंगल सेल्ड प्लांट। ओके, ये तो याद रहेगा आप सबको। तो जो पेरेंट्स है, मान लो मैं आपको दिखाऊं, मान लिये पेरेंट्स है, ठीक है, ये क्या है, पेरेंट्स ईस्ट सेल, क्योंकि सिंगल सेल है तो हम इसी तरीके से दिखाते हैं, पेरेंट्स ईस्ट सेल। ये क्या होगा, जब इसमें बर्ड डेवलप होगी तो कुछ इस तरीके से डेवलप हो जाएगी, ये पेरेंट्स हो गया, ठीक है, ये पेरेंट्स हो गया, यहां पे एक छोटा सा बर्ड डेवलप हुआ, ठीक है, बर्ड डेवलप हुआ, बर्ड राइड ऑफ होगा तो ये जो पेरेंट्स वो एज इट इज रह जाएगा और छोटा सा जो बर्ड था ये अलग निकल जाएगा और ये एक न्यू बर्ड की तरह काम करेगा, न्यू ईस्ट सेल की तरह वर्क करेगा। ओके, तो ये कंटिन्यूसली लॉन्ग चेन भी बना सकते हैं, बहुत सारे बन सकते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि एक सेल है, इसमें एक बर्ड निकल गया, दो तीन, इस तरीके से ये भी लॉन्ग बर्ड हो जाते हैं, ठीक है, तो इस तरीके से मैच्योर होते हैं, ठीक है। तो ये था हमारे किसके बारे में, बडिंग के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा थर्ड, फ्रेगमेंटेशन। ये वर्ड है फ्रेगमेंट से, फ्रेगमेंट का मतलब होता है एक टुकड़ा,
तो क्या होता है इसमें भी कुछ इसी तरीके से कि इन दिस द ब्रेकिंग ऑफ द ब्रेकिंग डाउन उसमें बर्ड डेवलप होता है, यहां क्या होता है ब्रेकिंग अप ऑफ द बॉडी ऑफ द बॉडी ऑफ ए प्लांट इंटू टू और मोर देन टू पीसेस, मोर देन टू पीसेस, ठीक है, ऑन मैच्योरिंग, जब वो मैच्योर होगा, और जैसे वो मैच्योर होगा तो वो क्या हो देंगे, एक दूसरे ब्रेक डाउन हुआ तो हर एक जो ब्रेक डाउन हो रहा है वो एक न्यू प्लांट के लिए जनरेट हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं ईच ऑफ विच सब्सिक्वेंटली grows to form a new plant. It is called fragmentation. ठीक है, तो ये बहुत सारे जो स्पोर वगैरह होता है उसमें मोस्टली कॉमनली पाया जाता है कि हमारे पास ये एल्गी प्लांट है स्पायर वगैरह। एग्जाम्पल में आपको स्पायर वगैरह स्पेलिंग होती है आपको स्पायरो गायरा, ठीक है, ये तो ये क्या है एक मैच्योर स्पायर वगैरह है। जब ये फ्रेगमेंट्स होते हैं कुछ इस तरीके से होता है, मैं आपको दिखा दूं, कुछ इस तरीके से होता है, मान लो इसमें ये तीन फ्रेगमेंट्स हैं। अभी जैसे अभी मैच्योर है, अभी क्या है मैच्योर, तीन फ्रेगमेंट बने हुए, अब ये क्या होंगे ब्रेक डाउन होंगे एक यहां से एक यहां से, तो एक ये बन गए तीन न्यू स्पायर वगैरह बन गए, ठीक है। तो एक ही बॉडी से हमारे डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ब्रेक डाउन हो रहे और एक नया बना रहा है, ठीक है, तो ये क्या है फ्रेगमेंटेशन। तो ये था हमारे बारे में, किसके बारे में, फ्रेगमेंटेशन के बारे में। तो ये भी आपका एक एल्गी प्लांट है, मोस्टली आपको एल्गा प्लांट है मोस्टली पॉन्ड्स में मिलेगा, तालाब वगैरह मिलेगा, या फिर कहाँ मिलता है आपको जो लेक्स वगैरह होती है वहां पे भी अवेलेबल होता है, ठीक है, ये इजीली फाइंड आउट हो सकता है हमें, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हम पढ़ रहे वो किसके बारे में पढ़ेंगे, स्पोर फॉर्मेशन। अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे नाम इंडिकेटर को होता है स्पोर, तो एक्चुअली के छोटे छोटे से सीड्स होते हैं, सीड्स भी नहीं कह सकते हम पर्टिकुलरली, यानी एक तरीके से किसी में अब जब किसी फूल वगैरह को देखते हैं तो उसके ऊपर छोटे छोटे दाने से रहते हैं, उन दानों को क्या बोला जाता है, स्पोर फॉर्मेशन बोला जाता है। तो एक्चुअली है क्या, स्पोर फॉर्मेशन इज ऑल्सो एन एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडीज, ठीक है, स्पोर आर नॉट सीड्स, हम ये कंफर्म कह सकते हैं स्पोर्स आर नॉट सीड्स, ये सीड नहीं होते बट लुक लाइक ए सीड, दिखने में ऐसे होते हैं, ठीक है, या तो जैसा आप कह सकते हैं बहुत मोस्टली जो प्लांट्स मिलेंगे आपको या तो फ्लावरलेस मिलेंगे, फ्लावरलेस प्लांट्स, ये फंगी आपने देखी है सबने, फंजाई होती है जिसको हम कई बार देखते हैं कि ब्रेड वगैरह को ऊपर छोटे छोटे दाने से आ जाते हैं, वो फंगी होती है, या फिर जैसे आटा होता है उसको आप ओवरनाइट रखे रहने दो तो सुबह देखेंगे तो उसमें क्या होता है फंगस सी ग्रो हो जाती है, फूल सा जाता है और उसके ऊपर दाने दाने से आ जाते हैं, उसको क्या बोला जाता है, फंगाई बोला जाता है, ठीक है, साइंस की टर्म में। तो ये भी क्या है आपका मेथड है किसका, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, ठीक है, कॉमन ब्रेड माउड प्लांट्स, ठीक है, राइजोबस होता है जिसको राइजोबस बोलते हैं, राइजोपस, ठीक है, ये भी आपका क्या है स्पोर फॉर्मेशन की तरह ही होता है, ठीक है।
राइजोफर्स फंगस है। एक्चुअली इसमें क्या होता है कि मान लो ये एक तरीके से ग्रोथ हुई, एक यहाँ पे ग्रोथ हुई, एक यहाँ पे ग्रोथ हुई, एक यहाँ पे ग्रोथ हुई, ठीक है, अलग अलग ग्रोथ हुई, इसमें स्पोर्स निकले, इसमें से स्पोर्स निकले, जैसे स्पोर निकले वो एक न्यू प्लांट की तरह ग्रोथ कर जाएंगे, और इसी को बोला जाता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, आपने फर्न और मोसिस देखी होंगी, फर्न एंड मोसिस, झाड़ी वगैरह ये सब में क्या होता है, इन मोसिस होती घास वगैरह में क्या होता है कि जैसे प्लांट्स होते हैं वो उसमें छोटे छोटे फर्न्स होते हैं, फ्रंट लीफ बढ़ जाते हैं उसको, वो दूसरा प्लांट्स ग्रो कर देते हैं। ठीक है, इजीली इन्हीं में भी ये क्या होता है, स्पोर फॉर्मेशन ही होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो आज की वीडियो में हमारे पास जो हमने डिस्कस किया था वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में ही डिस्कस किए हैं। ठीक है, तो आई थिंक स्टूडेंट्स ये हमारे पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वीडियो, नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आज की वीडियो में इतना ही। इफ यू वांट टू लाइक सब्सक्राइब माय चैनल, यू कैन क्लिक ऑन बेल आइकॉन ऑल्सो एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो लाइक कमेंट एंड शेयर। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।